एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो स्मूदी। मैंगो स्मूदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैंगोज, जो कि मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है। मैंने लिया है 1 कप मिल्क। हमें दूध को हल्का सा गर्म करना है थोड़ी देर के लिए। मैं दूध को लो फ्लेम पर गर्म कर रही हूँ। अब हमें लेना है 1/2 कप दूध। यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। 1/2 चम्मच जितना कस्टर्ड पाउडर हमें दूध में ऐड करना है और अब हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम उसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छे से मिल नहीं जाता। फ्रेंड्स, अब हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब जो हमने कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये टिप करने से आपका जो कस्टर्ड पाउडर है ना, वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाता है। अब हम थोड़ी देर के लिए दूध को ऐसे ही हिलाते रहेंगे। अब हम दूध में डालेंगे 2 चम्मच शक्कर। इसके बाद हम दूध को तब तक हिलाएंगे जब तक शक्कर पूरी तरह से दूध में घुल नहीं जाती। हमें इसे ज़्यादा थिक नहीं बनाना है, हमें इसे थोड़ा सा मीडियम रहने देना है। अब शुगर अंदर अच्छे से घुल गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर 2 आम लिए हैं और उनको पील कर लिया है। ये मैंगो पीस मैंने गार्निश के लिए रखा है। अब हम बाकी के 2 मैंगोज के छोटे छोटे पीसीस कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और तो और आपको कोई रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे मैंगोज के सारे पीसेस रेडी है। आप चाहे तो कोई और भी फ्रूट गार्निश के लिए ले सकते हैं। अब जो हमारे सारे मैंगोज के पीसेस है वो हम मिक्सर में डाल देंगे और उसका जूस बना देंगे। अगर आप आम का अचार कैसे बनाते हैं वो भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपको समर की सारी खट्टी मीठी रेसिपी प्रोवाइड कर सकूँ। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच शुगर। अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स ताकि हमारा मैंगो जूस ठंडा ठंडा बने। तो फ्रेंड्स, अब हमारा मैंगो जूस रेडी हो गया है। अब हम लेंगे एक बड़ा सा कंटेनर और उसमें ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड मिल्क ठंडा होने के लिए रखा था ना, वो मैंने समर सीजन के लिए कोकोनट और रोज की एक डिलीशियस रेसिपी बनाई है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम कस्टर्ड मिल्क में ऐड करेंगे मैंगो जूस। मैंने अपने मैंगो जूस की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखी है, मैंने उसको मीडियम रखा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी जो मैंगो स्मूदी है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे गार्निश करके सर्व करते हैं। को कीवी फ्रूट और ग्रेप्स के साथ डेकोरेट कर सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और भी फ्रूट ले सकते हैं।